नमस्ते भाइयों, नमस्ते बहनों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम सब लोग मुंबई से आए हैं, वैसे कोई किसी स्टेट का है, कोई किसी स्टेट का है, लेकिन सारे हम लोग बैठे हैं मुंबई से। और ई पास में जो हमने जो ई पास बनाया था तो उसमें चार धाम यात्रा का जो था, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, लेकिन उसमें केदारनाथ का ई पास नहीं बना। तो हम लोगों ने तीनों धाम किए। हमारे पास दो कोविड टेस्ट वैक्सीन के दो सर्टिफिकेट थे, उसके बाद RT-PCR था जो हमने महाराष्ट्र में बनवाया था। फिर जब हम हरिद्वार में उतरे तो हरिद्वार की पुलिस ने हमसे वो कोविड का टेस्ट, ये वैक्सीन का सर्टिफिकेट और कोई RT-PCR का सर्टिफिकेट मांगा। वो हमने उनको दिखाया, फिर उन्होंने हमको छोड़ा। उसके बाद हमने हर की पौड़ी में हमने गंगा आरती की और वहाँ पे कम से कम एक 2,000 से 2,500 लोग सारे हम चिपक के बैठे थे। वहाँ पे बिल्कुल कोविड नहीं था, वहाँ पे बिल्कुल कोरोना नहीं था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद फिर हम गंगोत्री चले गए, गंगोत्री में हमने कोविड टेस्ट करवाया, उसके बाद यमुनोत्री में करवाया। बद्रीनाथ जाने के टाइम पे भी चेकिंग किया, वहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं हुई। और जब हम केदारनाथ नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं त्रियोगी नारायण नाम के टेम्पल पे जा रहे हैं, और उसके लिए ई पास बनवाया है। लेकिन अभी यहाँ की पुलिस कह रही है कि वो ई पास वैलिड नहीं है। तो अगर ई पास वैलिड नहीं है तो फिर वो साइड पे डालेगी हमें, और हम महाराष्ट्र से, हमको उत्तराखंड के रूल्स, यहाँ के रेगुलेशन, यहाँ के कौन से साइड पे क्या है, हमको कुछ भी नहीं पता। जो साइट खोलने के बाद जहाँ पे मतलब जो वैलिड जो वेबसाइट्स है वहाँ पे अगर हम अगर ई पास बनवाते हैं और उसके बाद अगर वो हमारे पास वैलिड है, वो गवर्नमेंट का ही है, ऐसा भी नहीं कि किसी ने दूसरे ने बनवाया है, तो ये कहते हैं कि देवस्थान का बनवाना है। तो और प्रॉब्लम ये है कि वो आज ई पास हमारा आज का ही वैलिड है। अगर हम कल यहाँ पे आएंगे तो फिर वो कहेंगे कल का था, पटेल का बुकिंग किया है हम टोटल 20 लोगों का, 8,000 रुपये हमने ऑलरेडी पे किया है जो हमको वापस नहीं मिलने वाला है। तो बस मेरा एक ही मतलब ये गवर्नमेंट से एक सवाल है कि क्या सच में हम इसीलिए आपको वोट देते हैं कि आप इस तरह से हरेसमेंट करें हमारा। बाकी अभी आप देख लीजिए, और मैं अकेला नहीं हूँ या फिर मेरे सारे दोस्त लोग नहीं हैं, लगभग बहुत सारे लोग हैं जो सब जगह पे बॉर्डर पे रोके बैठे हैं। उसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, फैमिली वाले हैं, कोई डायबिटीज़ वाले हैं, किसी को कोई अलग अलग मतलब बीमारी है। तो वैसे ही मतलब वो अपना टाइम निकाल के, अपना जॉब के लीव लेके या फिर पैसे सेव करके, कोविड में तो किसी के पास उतना पैसा रहा नहीं, उसके बावजूद भी वो चार धाम की यात्रा के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी उनको दर्शन नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन निकाले और हमको बताए कि आगे करना क्या है। रास्ते पे बैठना है यहाँ पे भूखे पैसे, या फिर क्या करना है बोलो। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव।